गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाद धनगांव मार्ग का शिलान्यास भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने किया। बाद से धनगांव को जोड़ने वाले इस मार्ग की लंबाई लगभग 4200 मीटर है, जिसको लगभग 3,13,00,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि मार्ग की शिलान्यास पट्टिका को 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को बनाने का कार्य 6 महीने पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि मार्ग के निर्माण कार्य को क्षेत्रीय विधायक द्वारा चुनाव तक के लिए रुकवा दिया गया। जिस मार्ग के निर्माण कार्य की शिलान्यास पट्टिका का नारियल 6 महीने पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फोड़ चुके थे, विधायक कारिंदा सिंह ने उस मार्ग को बनवाने की 6 महीने तक सुध भी नहीं ली और लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू होने वाले कार्य को अपना चुनावी हथकंडा बनाना ज्यादा उचित समझा। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने शिलान्यास करते हुए ग्रामीणों को मिठाइयां भी वितरण करवाई और अपनी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सड़क बनवाने के नाम पर वोट भी मांगे, जबकि पूरे देश में इस समय शोक की लहर छाई हुई है। विधायक द्वारा शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में मिठाइयां वितरण करने पर लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह द्वारा 6 महीने पुरानी शिलान्यास पट्टिका का दोबारा नारियल फोड़ने पर जब सवाल किए गए तो भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह सवालों को नजरअंदाज करते हुए भागने लगे। आज हमें गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाद गांव में एक लंबी समस्या आज चली आ रही थी। काफ़ी वर्षों से, लगभग 2 दशकों से ये समस्या चली आ रही थी कि बाद गांव से जो धनगांव वाया जो मार्ग था वो काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में था, जिसे बनाने के लिए 2017 में गोवर्धन विधानसभा के भाजपा विधायक प्रत्याशी के रूप में थे उस समय ठाकुर कारिंदा सिंह, उन्होंने ये जनता से वादा किया था कि हम आपका ये मार्ग जो है वो बनाएंगे। पानी की समस्या का भी वादा किया था और भी कुछ वादे थे जो अभी कुछ हो चुके हैं पूरे और कुछ अभी पूरा होना बाकी है। हमारे साथ हैं गोवर्धन विधानसभा के भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह। आज मार्ग का शिलान्यास हो चुका है, विधायक जी क्या कहेंगे मार्ग? आज पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं दिनेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया और आप पहले भी इसको याद दिलाते रहे हो। आज वो यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, मैं समझ रहा आज से नहीं, बहुत पुरानी समस्या थी। जो धनगांव बहुत बड़ा गांव है और बाद भी अपने आप में बहुत बड़ा गांव है, यहाँ से अगर किसी को भरतपुर जाना है या भरतपुर से या उनको धनगांव वालों को इधर आना है रिफाइन से, तो उनको बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ता था। और मैं आज समझ रहा हूँ सड़क बनने के बाद में ये दोनों गांव नहीं 50ों गांव इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको ही रास्ते से लाभ होगा। ये रास्ता बहुत जल्दी आज शुरू हो चुका है। कितने समय में विधायक जी इस रास्ते का कार्य शुरू हो जाएगा? काम तो आज शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, कहीं व्यवधान नहीं डाला, किसानों सहयोग किया, तो मैं समझ रहा हूँ मार्च अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाएगा। और ऐसा रास्ता बनने जा रहा है 5.5 मीटर के रवि ये बीच में रहेगा और इसे बगल से पटरी इसकी और बनाई जाएंगी। इसमें जो भी जिसकी ज़मीन और किसी किसान की ज़मीन आती है उस किसान को बहुत अच्छा मुआवजा उस किसान को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और ये सड़क निश्चित है, इस सड़क जब बन जाएगी इस गांव के लिए आवाजों को रहने के लिए भी जगह चाहिए। और जब ये रास्ता के जाकर कहीं मीठा पानी इस गांव में है तो इसी रास्ते के पे ही मीठा पानी है। कितने करोड़ की लागत से लगभग ये मार्ग बन रहा है? इसकी लागत लगभग 313 लाख के लगभग इसकी है। और ये चूँकि ये रास्ता भी 4 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और निश्चित ये इतना धनराशि लगने के बाद बहुत अच्छा सड़क ये बनने जा रही है। विधायक जी, अभी हमने आज आपने शिलान्यास किया है और 6 महीने पूर्व उसमें पट्टिका लगी हुई है, 16 जून 2021 की वो पट्टिका है जिस पे आज शिलान्यास किया गया है, क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने फिर वो वैसे उठाया, मतलब कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आप गलत कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त नहीं है, ये समय पर ही काम शुरू हो रहा है। उस समय मानिए हमारे मौर्या जी ने इसका उद्घाटन उसमें कर दिया था आगरा में, क्योंकि काम शुरू करने के लिए रास्ता चौड़ा होगा तो उसके लिए ज़मीन चाहिए और ज़मीन चाहने के लिए ज़मीन जिस किसान की जाएगी उसकी स्वीकृति भी चाहिए। इस संविधान में व्यवस्था है कि हम किसी किसान की ज़मीन लेंगे तो उसकी पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तो किसान की स्वीकृति लेने में इतना समय लग गया, काम तो तभी शुरू हो गया। तो आज स्वीकृति पूरी हो गई है, आज काम शुरू होने जा रहा है। जी काम तो आज शुरू हुआ है, 6 महीने पहले तो कार्य शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ज़मीन स्वीकृति की आप जो बता दिया, मैंने आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जो ज़मीन स्वीकृति
स्वीकृति की आप बात कर रहे हैं, तो आज तक मैं आपको बता दूं कि आज की स्थिति में भी किसानों से स्वीकृति नहीं ली गई है। हालांकि इस मार्ग में कोई व्यवधान किसानों की तरफ से नहीं है, उसके बावजूद 6 महीने आखिर ये डिले क्यों है? ऐसा ही क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आने से पहले मार्ग को याद किया जा रहा है और सड़क बनाई जा रही है। शायद आप भूल हैं, आप क्यों क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए यही रास्ता नहीं है। इतने अनेकों मार्ग यहाँ बन रहे हैं, मेरी विधानसभा में कम से कम 30-35 नए मार्ग बने हैं, सब बन चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई प्रक्रिया पूरी करने में कहीं समय लगता है तो निश्चित रूप से समय लगता है। अब ये नहीं है, प्रक्रिया है, किसानों स्वीकृति ली जाती है, उनको मुआवजा देने के लिए कागज बनते हैं, किसका कितना रकबा जा रहा है, उसकी सब बनाने के बाद ही तो शुरू होगा। छह महीने में अभी तक प्रोसेसिंग क्यों नहीं? बात बार बार उठा रहे हो, 6 महीने है कहाँ, काम तो हो रहा है ना। शिलान्यास पट्टिका पे 16 जून 2021 की डेट पड़ी। अरे जब मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ उसकी प्रक्रिया करने में, विधायक जी जमीन करने जमीन लेने में प्रक्रिया में, उसकी मैं आपको बता रहा, समझ नहीं जा रहे हो? नहीं, आपकी इस बात से हम सहमत हैं। चलिए, आप जो कह रहे हैं आपकी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरी विधायक जी अगर मैं बात बता दूं कि आपने चुनावी समय में गाँव की जनता से पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी वो किया था, पानी की लाइन भी काफ़ी गलियों में काफ़ी हद तक पड़ चुकी है, लेकिन सभी गलियों में पानी की लाइन नहीं डाली गई है और घर घर तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। 5 वर्ष आपके कार्यकाल को होने वाले हैं, क्या कहेंगे? शायद आपको ये पानी समस्या आज से मेरे समय में ही नहीं थी, समस्या पहले भी थी, पुरानी समस्या थी, लेकिन मैंने तो काम शुरू करवाया, टेंडर हुआ, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए इसमें लगने जा रहे हैं, पाइपलाइन डल चुकी है, बोरिंग पहले कराई, वो बोरिंग दुर्भाग्य से खाली निकल आई, दूसरी बोरिंग होने जा रही है, जो बाकी रह गया उसका भी पाइपलाइन डलेगी, उसका टेंडर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैंने जो वादा किया काम चल रहा है। हाँ, ये आप ये कहते काम नहीं शुरू हुआ था तो मेरी बात थी। विधायक जी, कार्य हुए गांव में, सड़कें आज भी लाइन जिन सड़कों से डली हुई थी वो खुदी हुई पड़ी हुई हैं, और आज भी सही तरीके से ठेकेदारों ने वो सड़कें मरम्मत नहीं की है, रिपेयर नहीं की है, और घर घर तक पानी नहीं पहुंचा है, क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, यानी कि सरकार का कह सकते हैं कि करोड़ों रुपया वेस्ट किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है आपकी, कहीं ठेकेदार ने विलम्ब किया है, आपने आज बता रहे हो कोई गड्ढा रहेगा, आप मुझे पहले बताते, अगर कहीं ऐसा रह गया ठेकेदार ने उसकी मरम्मत नहीं की है, गड्ढा को नहीं भरा है, तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाऊंगा, काम करेगा, पूरा करेगा, ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा ये नहीं है, लटकाने की नहीं है, कहीं ठेकेदार को गलत आ जाता है ये सरकार का फॉल्ट नहीं होता है, और अगर ठेकेदार गलती करा उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है विधायक जी। विधायक जी, एक बात और कहूँगा, ये ब्रज 84 को उस परिक्रमा को जोड़ने वाला ये मार्ग है, और ये श्री थरवंस द्वार से लेके, यानी कि NH-19 से लेके ये यहाँ तक ये परिक्रमा मार्ग को ये जोड़ेगा, श्री जी मंदिर से होकर ये मार्ग आता है, और श्री जी मंदिर का जो प्रमुख मार्ग है, आज तक वो मार्ग ना बनाया गया है और ना ही उस पर एक भी स्ट्रीट लाइट है, जबकि वो बादगांव का एक प्रमुख मार्ग है। आप कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, और आप सुरक्षा दृष्टि को भी ये कह रहे हैं कि सरकार सुरक्षा दृष्टि की प्राथमिकता देती है, ऊर्जा मंत्री निगम चुनाव में आते हैं, गांव को गंगा जल पिलाने के वादे करते हैं, और नगर निगम पूरे क्षेत्र को दूधिया रोशनी में जगमगाने के भी वादे करते हैं, क्या कहेंगे? पता नहीं आपका मनसा क्या है, लेकिन इस गांव में इतने बढ़िया सरोवर बनी, जहां आप जाते हैं पटना की दृष्टि में, आप सामने जाइए, दर्शन कीजिए, वहां से आगे वहां बैठिए, वहां का रास्ता मैंने आपको बताया कि एक साथ काम नहीं होते, काम जो हो रहे हैं। सरोवर 2014 में पास हुई, आप 2017 में विधायक बने, तो आप सरोवर की बात मत करिए, आप अपने जो आपने जो वादे किए थे जनता से उनकी बताइए। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे गोवर्धन विधानसभा के भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह, उन्होंने बताया कि कुछ कार्य किए जा चुके हैं, कुछ कार्य होना बाकी है, लेकिन और भी कुछ सवाल थे जिनसे विधायक जी किनारा करते हुए गए। कोई बात नहीं, वो आगामी समय में आपको जो भी बादगांव की और जो भी क्षेत्र की जन समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। न्यू न्यूज़ के लिए दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।